हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं म्यूचुअल फंड रिव्यू को। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कोई भी फंड या फिर कोई भी स्कीम के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी कमेंट आपके मुझे रिसीव हुए यहाँ पर, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वन बाय वन यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की स्कीम को रिव्यू करेंगे। तो आज जो रिव्यू करने वाले हैं हम लोग वो है आदित्य बिरला सन लाइफ का स्मॉल एंड मिड कैप फंड। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग इस फंड की बात करें तो ये फंड स्टार्ट होता है एक ओपन एंडेड स्कीम के साथ, यानी कि स्कीम ओपन एंडेड है। आप जब चाहे जब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जब चाहे जब स्कीम से बाहर आप निकल सकते हैं, तो आपको कोई यहाँ पर लॉक इन पीरियड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स की। तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिले आपको, उस तरीके का ऑब्जेक्टिव रखा गया है। जो फंड है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के अंदर। यहाँ पर यह भी चीज़ रखी गई है कि इसमें से कुछ पोर्शन ऑफ मनी जो है वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज के अंदर, यानी कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी डाला जा सकता है। और अगर बात करें जो प्लान से ये अवेलेबल है रेगुलर और डायरेक्ट दोनों के अंदर। देखिए रेगुलर यानी कि आप अपने ब्रोकर के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदते हैं, डायरेक्ट प्लान आप डायरेक्टली AMC से खरीदते हैं, तो दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। यहाँ पर ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो डिविडेंड पे आउट और ग्रोथ दोनों में आपको ये फंड मिल जाएगा। बात करते हैं फंड मैनेजर की, तो मिस्टर जयेश गांधी इसके फंड मैनेजर हैं, जो कि इसको मैनेज कर रहे हैं 2014 से, जिनका एक्सपीरियंस अगर हम लोग बात करें तो लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है उनको इस इंडस्ट्री के अंदर। बात करते हैं इसकी बेंचमार्क की, तो देखिए बेंचमार्क यहाँ पर जो है निफ्टी फ्री फ्लोट मिड कैप 100 इसका बेंचमार्क है। तो बात करते हैं इसकी AUM की, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की, तो वो लगभग आता है यहाँ पर 1865 करोड़ का। एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें हम लोग तो वो लगभग 1695 करोड़ का है, यानी कि जो एसेट्स अभी इसका है वो अपने एवरेज से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी लोग नए लोग फंड के अंदर आ रहे हैं, काफ़ी नए लोग विश्वास दिखा रहे हैं फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। तो बात करते हैं इसकी अलॉटमेंट डेट की, तो वो लगभग 2007 मई में फंड लॉन्च हुआ था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की यहाँ पर, कि अगर आपको करनी है SIP तो आपको कितना फंड मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगा इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। तो वो यहाँ पर आपको 1000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 1, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि 1001 रुपये, 1002 रुपये, 1003 रुपये, 1010 रुपये, इस तरीके से आप मल्टीपल ऑफ 1 के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 1000 का लगेगा एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 1। एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो देखिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमेशा, कि अगर आपने एक बार फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो अगली बार जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो वो भी मिनिमम अमाउंट यहाँ पर जो लेगा वो 1000 रुपये का लेगा। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी यहाँ पर आपको लगेगा 1000 रुपीज़ का एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 1। देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी होरिजन की यहाँ पर, तो इन्वेस्टमेंट जो किया गया है वो किया गया है स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के अंदर। इसमें होता क्या है, जनरली अगर आपको रिटर्न मिल सके इसके अंदर तो एक साल के अंदर भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, नहीं तो 5 ईयर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप एवरेज रिटर्न देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिनिमम 5 ईयर तो इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग करते हैं इसकी एक्सपेंस रेशियो की। यहाँ पर दिखा रखा है रेगुलर के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो है वो 2.43% का है और डायरेक्ट प्लान के अंदर जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.13% का। देखिए एक्सपेंस रेशियो का मतलब यहाँ पर होता क्या है, रेगुलर प्लान जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपकी, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या फिर अपने बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर रेगुलर प्लान हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो दिखा रहा है रेगुलर के अंदर 2.43% का, इसका मतलब ये कि तो मान लेते हैं कि किसी स्कीम के पास उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 100 रुपये हैं, तो उसके अंदर अगर एक्सपेंस रेशियो 2.43 है, इसका मतलब ये होता है कि 2.43 रुपये यहाँ पर एक्सपेंस के नाम पर खर्च करे जा रहे हैं। वो कहाँ से फंड निकालेंगे, वो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में से फंड निकालेंगे। वो किसके लिए यूज होता है, वो यहाँ पर डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है, सैलरीज के लिए यूज होता है, स्टाफ के लिए यूज होता है। तो उस तरीके से इसका एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 2.43 आता है। रेगुलर प्लान के अंदर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी जुड़ा होता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो हायर मिलता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट प्लान के कंपेयर में। आप अगर देखें डायरेक्ट प्लान के अंदर तो यहाँ पर आपको 1.13% का एक्सपेंस रेशियो मिल रहा है, तो अगर यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कम है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है। बात करते हैं इसकी लोड स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर नो एंट्री लोड है और एग्जिट लोड 1% दिखा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर या म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ परसेंटेज ऑफ चार्जेस या कमीशन देना होता है एंट्री करने के लिए, तो यहाँ पर आपको नो एंट्री लोड है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगेगा। बट यहाँ पर एग्जिट लोड दिखा रहा है 1%। एग्जिट लोड मतलब किसी भी फंड किसी भी स्कीम से जब आप बाहर निकलते हैं अपने यूनिट्स को सेल आउट करते हैं तो वहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। कब लगेगा, अगर आप उस स्कीम में से 365 डेज से पहले निकलते हैं, तो अगर आप एक साल तक उसको होल्ड करके रखते हैं तो वहाँ पर आपको एग्जिट लोड जो है वो नहीं लगेगा। अगर आप किसी स्कीम से स्विच करने के लिए भी उसमें से एग्जिट करते हैं तब भी वहाँ पर अगर आप एक साल से पहले निकलते हैं तो आपको 1% का यहाँ पर एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप एक साल के बाद सब कुछ करते हैं या स्विच करते हैं या एग्जिट करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा।
अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके रिटर्न्स की, कंपेयर करेंगे हम लोग कि एक साल में, तीन साल में और पाँच साल में इसने कितना रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में आपको यहाँ पर दिख रहा है जो स्कीम का रिटर्न है, यहाँ पर आपको ब्लू के अंदर दिखाई दे रहा है वो है बेंचमार्क का रिटर्न है, यहाँ पर आपको जो येलो के अंदर दिखाई दे रहा है वो है निफ्टी 50 का रिटर्न है। तो बात करते हैं यहाँ पर स्कीम्स के रिटर्न की, तो एक साल के अंदर आपको यहाँ पर 56.7% का रिटर्न देखने को मिला है, जबकि बेंचमार्क ने जो इसका रिटर्न दिया है वो लगभग 47.26% का दिया है। वहीं अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करें तो इस इंडेक्स ने रिटर्न दिया है 28.65% का। तो अगर आपने निफ्टी इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको यहाँ पर 28.65 के रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आपने यहाँ पर आदित्य बिरला सनलाइफ स्मॉल एंड मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको यहाँ पर 56.7% के रिटर्न्स देखने को मिल सकते थे एक साल के अंदर। अब बात करते हैं इसके तीन साल की रिटर्न की, यहाँ पर तो इसने अपने बेंचमार्क और निफ्टी दोनों को आउट परफॉर्म करते हुए 24.94% का यहाँ पर रिटर्न दिखाया है, जो कि इसके 5 ईयर रिटर्न से कम है। यानी कि अगर इसके 5 साल का रिटर्न हम लोग देखें तो यहाँ पर 27.73% का इसने रिटर्न दिखाया है, जबकि इसके बेंचमार्क को और इसके निफ्टी 50 को इसने हमेशा आउट परफॉर्म किया है। तो एक अच्छा फंड यहाँ पर निकल के आ रहा है रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिखा रहा है इस फंड का वो लगभग दिखा रहा है 17.06% का, बीटा इसका दिखा रहा है 1.07% का। तो इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि आपकी स्कीम कितनी वोलेटाइल है। देखिए वोलेटाइल का मतलब ये है कि आपकी सिक्योरिटी या आपकी स्कीम का प्राइस मूवमेंट कितना है, उसके ओपन हाई में कितना डिफरेंस है, उसकी रेंज क्या है, वो यहाँ पर दिखाता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होने के कारण जो आपका स्कीम है वो वोलेटाइल ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बीटा की उसकी, तो बीटा यहाँ पर दिखा रहा है 1.07% का। देखिए अगर किसी भी सिक्योरिटी का अगर बीटा अगर 1 होता है, ठीक है, तो उसकी जो स्कीम या सिक्योरिटी वो मूव करती है मार्केट के साथ में। जैसे क्या होता है अगर मार्केट 10 पॉइंट मूव किया और अगर स्टॉक या सिक्योरिटी या किसी स्कीम का बीटा 1 है तो वो स्कीम भी 10 पॉइंट मूव करेगी। अगर बीटा यहाँ पर 1 है, मार्केट 10 पॉइंट गिरता है तो आपकी स्कीम भी क्या होगी 10 पॉइंट से गिर जाएगी। तो यहाँ पर बीटा आपको दिखा रहा है 1.07, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे बीटा किस तरीके से हम लोग समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की, शार्प रेशो की, बीटा की, तो हम लोग उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये एनुअलाइज बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। जो हम लोग तीन साल के हिस्टोरिक इसके डेटा को यहाँ पर लेते हैं उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो अब सेक्टर एलोकेशन की यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर सेक्टर एलोकेशन की बात करें हम लोग तो बैंकिंग, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तो काफ़ी अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यहाँ पर रखा है। फाइनेंस के अंदर अगर हम लोग बात करी जाए तो 11.33% का सबसे हाईएस्ट यहाँ पर एक्सपोजर दिया है फाइनेंस को। कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पर 7.99% का इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर। तो ये सेक्टर एलोकेशन किए हैं, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर कितना कितना फंड इन लोगों ने एलोकेट किया है तो उसके बारे में यहाँ पर बता रहा है। सॉफ्टवेयर के अंदर 3.37% का, ऑटो एंसिलरीज के अंदर इसने 3.3% का इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको सेक्टर एलोकेशन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। बात करते हैं अब इसकी यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स की यहाँ पर। तो जैसा कि फ्रेंड हम लोग बात कर चुके थे पहले कि जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करती है स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के अंदर, तो यहाँ पर डीसीबी बैंक एक प्राइवेट बैंक है उसके अंदर लगभग इनने लगभग 2.86% का इन्वेस्टमेंट किया है। इस तरीके से जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये इनकी टॉप होल्डिंग्स है यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। सो फाइनली हम लोग अब इस चीज़ पर आते हैं कि आपको क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कब तक आपको इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना चाहिए, तो हम लोग उस पर बात कर लेते हैं फाइनली। देखिए यहाँ पर हमने स्कीम का ओवरव्यू देखा जिस तरीके से, तो स्कीम का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होने के कारण स्कीम थोड़ी वोलेटाइल है, बट यहाँ पर इसने अपने रिटर्न को भी आउट परफॉर्म किया है। अगर बात करी जाए इसकी बेंचमार्क की रिटर्न की और निफ्टी के कंपेयर किया जाए तो इसने काफ़ी आउट परफॉर्म करके रिटर्न हमको दिया है यहाँ पर। देखिए तो बात करी जाए इसके अंदर कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो यहाँ पर जिसके पास थोड़ा सा सरप्लस फंड है, जो थोड़ी सी रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हैं, तो वो यहाँ पर इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स जो होते हैं वो या तो एक साल के अंदर अच्छे मिल जाए या अगर नहीं मिले तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो जहाँ पर जिनको इक्विटी का एक्सपोजर चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज का, तो वो लोग यहाँ पर इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि इसका 3 ईयर का रिटर्न जो था वो अपने 5 ईयर रिटर्न से कम आ रहा था। इसका मतलब ये हो रहा था कि स्कीम के अंदर अगर आप ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टमेंट रखे रहेंगे तब आपको यहाँ पर रिटर्न्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर 1 साल 2 साल या 3 साल के अंदर हम लोगों ने देखा है कि इसके 5 ईयर रिटर्न से भी इसने कम रिटर्न डिलीवर किया है। देखिए इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो डायरेक्ट प्लान के अंदर अगर हम लोग बात करी जाए तो 1.13% का है, जबकि रेगुलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2.5% का एक्सपेंस रेशियो आ रहा है इसका यहाँ पर, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी काफ़ी हाई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की होता है फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, तो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो को भी देखना पड़ेगा।
और फाइनली अगर हम लोग बात करें तो फंड ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क और निफ्टी को, तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपका यहाँ पर पैसा बन सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स अगर आपको कोई स्कीम के बारे में और पता करना है, किसी और फंड का आपको रिव्यू चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इन दो वीडियोस को भी आप देख लें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।